हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसी फिल्मों के बारे में जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। स्पेशली आप दोनों ही फिल्म अपने फादर के साथ बैठ के देखना, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ अच्छा मैसेज देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कमर्शियल चीजें या कोई भी नंगा नाच देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बेहतरीन कहानी और बहुत ही दिल से बनाई गई दो फिल्में जो मैं आज आपको रिकमेंड करूंगा, और आप डेफिनेटली इस वीडियो के बाद इनमें से कोई भी फिल्म देखना आपको अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे पर्सनली कौन सी ज्यादा अच्छी लगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है द लिफ्ट बॉय। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। लेकिन हाँ, इसमें ऑल्दो बहुत सारे डायलॉग है जो इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आपको इजीली समझ में आता है, क्योंकि जो कहानी स्टिक वे में बनाई गई है कि मतलब फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर बाद आप ये भूल जाते हो कि आप फिल्म देख रहे हो, क्या वाकई में राजू तावड़े को देख रहे हो। खैर, इस मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है राजू तावड़े से, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। पिछले 3 सालों से वो ड्राइंग के सब्जेक्ट में फेल हो रहा है और चौथे साल भी वो फेल हो गया। लेकिन उसके लाइफ में ट्रेजेडी है कि रुक नहीं रही है, मतलब उसके फादर को हार्ट अटैक हो गया, जो कि एक लिफ्ट मैन का काम करते हैं। इसीलिए डॉक्टर ने उसके फादर को 3 हफ्तों का रेस्ट बोला। तो इसी वजह से अब घर तो चलाना पड़ेगा। अब गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, अगर एक आदमी कमाने वाला अगर वो भी बेचारा घर पे बढ़िया तो खाने के तो लाले पड़ जाते। अब किसी तरीके से राजू तावड़े को फादर की जगह पे काम करने जाना पड़ता है। उसके बाद एज ए लिफ्ट मैन उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है, उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं बताता कि मूवी मुझे पर्सनली क्यों इतनी अच्छी लगी और मैं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत सारी ऐसी कमर्शियल फिल्में देखते हो या बहुत सारी साइफाई वाली फिल्में देखते हो, लेकिन इस तरीके की फिल्में जो एक्चुअली आपको बैठ के देखना से अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने मिलती है जो एक्चुअली हमारे लाइफ में होती है लेकिन हम लोग कभी उस पर गौर नहीं करते। बेसिकली इस मूवी के थ्रू हमको एक मैसेज देखने मिला, वो मैसेज ये है कि हम लोग हमेशा हम मंजिल पर फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं देखते कि उस मंजिल पर पहुंचने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर कौन हमको बिना किसी फायदे के वहां तक हमको पहुंचाया उस मंजिल तक, और किसने हमारे लिए दिल से मेहनत किया, हमारे लिए दुआ किया, हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया, हमको बहुत कुछ सीख दिया। वो जरूरी नहीं कि पेरेंट हो, बहुत से अलग लोग भी हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही आगे लेके जाते हैं। और हर एक इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई एंजल जरूर आती है। वो एंजल उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो एंजल उनके उस्ताद भी हो सकते हैं, वो एंजल उनकी वाइफ भी हो सकती है, वो एंजल उनके दोस्त भी हो सकते हैं। तो बेसिकली वो एंजल उनकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे राजू तावड़े की जिंदगी में भी एक एंजल आती है, वो होती है। अब वो कौन होती है वो मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, बस इतना कह सकता हूं कि ये फिल्म आप जरूर देखना, आप इजिली इन सारे कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर जो राजू तावड़े है, राजू तावड़े को आप हर एक लड़का हर एक लड़की इजीली उनसे कनेक्ट करेगी। और कृष्णा तावड़े जो कि राजू तावड़े के फादर है, उनसे भी जितने भी जो फादर्स लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो उस कैरेक्टर को देखो। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी फादर्स लोग हैं आप लोग इजिली कृष्णा तावड़े से कनेक्ट कर पाओगे, स्पेशली चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है। उसके अलावा जो एक कैरेक्टर है, जो स्पेशल कैरेक्टर मोरिन जो कि उस बिल्डिंग की ओनर है, ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में कितने हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 में से 7। तो यार मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, और इसलिए यहाँ पर जो लड़के ने राजू का रोल प्ले किया कि मोइन खान ने, उसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। अब देखना इसके आने वाली फिल्में कौन सी है। तो कुल मिलाकर एक स्वीट एंड सिंपल मूवी जो आप अपनी फैमिली से बैठ के देख सकते हो, कहीं से भी बुरी नहीं लगने वाली है। दूसरी मूवी ए ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड। ये मूवी में आपको नजर आता है लिविंग लेजेंड टॉम हैंक्स सर। ये हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ये वाकई में रियल एक्टर है। जब आप उनको स्क्रीन पर देखोगे तो आप ये भूल जाते हो कि टॉम हैंक्स या वो जो कैरेक्टर ये प्ले करे वही है। सच बता रहा हूं, इनकी मैंने इतनी फिल्में देखा और ये मेरे वन ऑफ दी फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स में से एक है। खैर, इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी मेरे दिल के अभी बहुत ज्यादा करीब हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी, और जो इसका मैसेज है उस मैसेज को हर लोग ध्यान से देखेंगे, उस पर कायम हो जाए तो इस दुनिया में लोग माफ करना सीख जाएंगे। और पता है, माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। कहने में बहुत आसान है कि यार मैंने तुमको माफ कर दिया, लेकिन एक्चुअली में जब माफ करने का टाइम आता तो लोग माफ नहीं करते। बस ये फिल्म आपको यही एक मैसेज देती है जो कि आपको दिल को छू जाता है। उसके अलावा इस फिल्म को जिस तरीके से डायरेक्ट किया है ना यार, मैं तो दीवाना हो गया हूं, सच बता रहा हूं। और टॉम हैंक्स सर जिस तरीके के कैरेक्टर प्ले किया मिस्टर रॉजर्स का, मैं आपको बता दूं एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जो कि 70s और 90s के टाइम पे एक टेलीविजन शोज करते थे, काफी फेमस थे, चाहे बच्चे लोग हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, उन सभी में बहुत फेमस थे और लवेबल इंसान थे जिनके लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा दीवाने थे। और फिल्म में भी टॉम हैंक्स ने उनको इतना शानदार तरीके से उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं भी वहां होता उस दौर में तो शायद मैं भी अगर मिस्टर रॉजर्स से मिलता तो मुझे भी पर्सनल उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होती, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। खैर, इस मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है लॉयड से, जो कि एक मैगजीन में राइटर है। वो उसके फादर के साथ उसका रिलेशन कुछ इतना खास नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, वो ट्रेजेडी क्या हो तो आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस मैगजीन की ओनर लॉयड को कहती है कि तुम्हें मिस्टर रॉजर्स के पास जाके उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो किस तरीके से लॉयड की जिंदगी उसके बाद पूरी तरह से बदल जाती है और क्या कुछ होता है उसकी लाइफ में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो देखिए अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो इस फिल्म के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका और इतना काफी आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स है, टॉम हैंक्स तो हटा दो, लेकिन उसके अलावा जितने भी एक्टर्स है सबका काम बहुत अच्छा है और ये फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है और इस फिल्म में जो कुछ देखने को मिला वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या क्या है जब आप फिल्म देखो तो आप समझ जाओगे। उसके अलावा इस फिल्म को जितने दिल से बनाया है तो वाकई में ये फिल्म आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, यानी कि 100% ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन द लिफ्ट बॉय मूवी ये भी बहुत अच्छी है, तो कुल मिला के दोनों फिल्में आप देखो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आप डिसाइड करोगे आपको कौन सी देखनी है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।